हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ओपन कंसल्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी आदतें जिनके कारण आपको फिशर होने के चांसेस काफी बढ़ जाए। तो आपके जो स्टूल्स है वो ठीक से पास नहीं हो पाते और आपका जो इनर वर्ज है यानी कि जो संन्यास करने की जगह है वहां पर डैमेज करते हुए पास होते हैं जिसके कारण की फिशर हो। तो अगर आप लो फाइबर डाइट खा रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपके जो बाउल मूवमेंट्स है वो स्मूथली नहीं हो पाएंगे, आपको जोर लगाना पड़ेगा और इसी के कारण आपको फिशर हो जाएगा। तो आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए सबसे पहली बात। तो योर डाइट शुड बी हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट में मेनली आती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, यानी कि जो हरी सब्जियां हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक है, मेथी है, ये जो सब्जियां हैं इनको खाने से आपके शरीर में फाइबर आता है। साथ ही साथ जो फूड ग्रेन्स हैं वो जैसे बाजरा, जैसे ज्वार, जैसे गेहूं, ये सब जो फूड ग्रेन्स है इनके कारण भी आपकी डाइट में फाइबर आता है। और फ्रूट्स यानी कि जैसे बनाना है, जैसे एप्पल है, ये चीजों से भी आपके डाइट में फाइबर ऐड होता है। तो अगर आप ये सब चीजें अपनी डाइट में ऐड करेंगे, एडिक्वेट पानी पिएंगे, तो आपका जो मोशन है वो बहुत ही स्मूथली पास होगा और आपको फिशर जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट इज पानी पीना, हाइड्रेशन। अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो बढ़ जाता है और उसी कॉन्स्टिपेशन के कारण जो आपको डैमेज होता है, जो आपको स्टूल मोशन पास करने के टाइम पे जो डैमेज होता है उसके कारण आपको फिशर हो जाता है, डायरिया। अगर आपको किसी कारण से बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया हुआ है तो भी आप बार बार जब मोशन पास करते हैं तो भी वहां पर जो एरिया है वहां पर डैमेज होने के कारण आपको फिशर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको डायरिया है तो आप उसको नजरअंदाज मत कीजिए, उसका सही डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लीजिए। नेक्स्ट इस बहुत देर तक बैठे रहना। अगर आप एक ही जगह पे बहुत देर तक बैठे रहे तो उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है और उसी के कारण आपको फिशर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से आपको बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है तो आप थोड़ी देर उठिए, आधे एक घंटे के बाद जरा वॉकिंग कीजिए और फिर आके बैठिए, जिससे कि आपको फिशर होने के चांसेस कम हो। वैसे ही अगर आपके पास वेस्टर्न टाइप का टॉयलेट है, आप बहुत देर तक कमोड पर बैठे रहते हैं तो प्रेशर आने के कारण ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है एंड अगेन फिशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो आपको ये समझाने के लिए कि कौन सी एवरीडे आदतें हैं, कौन सी रोजमर्रा की आदतें हैं जो कि अगर आप सुधार लें तो आप फिशर से बच सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाइंड इट वेरी यूजफुल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिव हेल्दी स्मार्ट।